देखिए व्यूवर्स, ये प्याज और टमाटर ये दोनों हम अच्छे तरीके से इनको भून लेंगे इस तरीके से। इसमें हम चिकन डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2.5 किलो चिकन है मेरे पास, जो छोटे पीसों में मैंने करवा ली। आप अपनी चिकन जो है अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये चिकन डाल दिए मैंने इसमें, ये 2.5 किलो चिकन है और आप अपनी मर्जी से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कम में भी बना सकते हैं आप। तो ये 2.5 किलो चिकन है, इसे अब प्याज और टमाटर के साथ अच्छे तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है और अब इसमें 4 टेबल स्पून हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। और इसमें हम चम्मच चलाएंगे। चम्मच चलाने के बाद इसमें हम दही ऐड कर देंगे। ये 1 पाव दही लिए और जिसको अच्छी तरीके से हमने फेंट लिया है ये इसमें डाल देंगे और चम्मच चलाएंगे। इसमें अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त बनती है ये कोयला कढ़ाई। तो इसके बाद इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें ये रेड चिली पाउडर का ऐड कर देंगे। 1.5 टेबल स्पून हम इसमें ये टर्मरिक पाउडर का ऐड करेंगे और 1.5 टेबल स्पून हम ये इसमें कोरिएंडर पाउडर का ऐड कर देंगे। सॉल्ट अभी इसमें हम ये 1/2 टेबल स्पून ऐड करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून के करीब हम ये इसमें चिकन पाउडर का ऐड कर देंगे और अब इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें अभी हमने कोई भी पानी ऐड नहीं किया, ये अपने पानी में ही पकेगा। और इसको मिक्स कर लेंगे। इसका पानी जब ड्राई होगा तो फिर इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल के और कोयले को जो अच्छे तरीके से जैसे चूल्हे पे रख के गर्म करके और इसको दम पे रख देंगे तो हमारी बेहतरीन जो है कोयला कढ़ाई बन के तैयार हो जाएगी। अब मैं इसे कवर करती हूँ और चिकन गल जाने तक पकाएंगे। तो जी व्यूअर्स, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए हमारा जो है कोयला कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इस स्टेज पे चाहें तो इसको और भी ड्राई कर सकते हैं, लेकिन हमने ये थोड़ा सा इसका मसाला रखा है, ये ज़्यादा नहीं है। ये देखें, ये इसका अपना स्टॉक है, बिल्कुल थोड़ा सा। अब जो है इसके ऊपर हम प्याज की लेयर लगाएंगे, एक इस तरीके से प्याज रखेंगे और फिर इसके ऊपर इसके बाद हरी मिर्चें डालेंगे। ये लच्छे की तरह गोल गोल प्याज काट दिए इस तरीके से, देख लें आप। और ये हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा हरा धनिया है, ये डाल दिए इसके ऊपर। ये साथ देखें, हमने कोयला रख दिया चूल्हा जला के और अब ये ज़रा गर्म हो जाए तो फिर इसमें जो है हम अपनी कोयला कढ़ाई में एक वो स्मोकी फ्लेवर के लिए इसको रखेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। कोई भी आपके पास स्टील का जो है बर्तन हो उसके ऊपर इस तरीके से आप वो कोयला रखें, कोयले को अच्छे तरीके से आपने जला लेना है और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा हम जो है 2 ड्रॉप जो है ऑयल या घी जो भी आपके पास हो वो इसके ऊपर डालेंगे इस तरीके से और ये इस तरीके से हम बंद कर देंगे। तो ये देखेंगे क्या होगा इससे, क्या कि इससे जो भी इसका धुएं का फ्लेवर होगा वो चिकन में आ जाएगा। 5 मिनट के लिए इसे हम ऐसे रखेंगे और इसके बाद आपको इसकी फाइनल लुक देती हूँ। और फिर उसके बाद ये हमारे अंकल हैं ये हमें टेस्ट करके बताएंगे हमारी कोयला कढ़ाई कैसी बनी है ना। मायमा आप बताएंगी ना हमारी कोयला कढ़ाई कैसे बनी। इधर देखो मायमा, मायमा आप बताएंगी ना, देखा वो कह रही। हाँ तो जी व्यूअर्स, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो है कोयला कढ़ाई ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुकी है। इसे अब हम बाहर निकाल लेंगे और ये देखें जी, ये है हमारी कोयला कढ़ाई की फाइनल लुक। तो इसे हम थोड़ा सा मिक्स भी कर लेंगे। तो मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें।
तो मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में बहुत याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।